अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ तलबा तालिबात, 17वें दिन आपको ये सरगर्मी दी गई है कि शेर में अल्फाज एक मुनासिब तरतीब में होते हैं। जब हम कोई शेर पढ़ते हैं तो उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो एक ख़ास तरतीब में आते हैं। अगर उस तरतीब को हम बिगाड़ दें तो वो शेर समझ में नहीं आएगा। तो वो जो ख़ास तरतीब में होते हैं उसके बारे में आज हमको देखना है। जैसे मिसाल दी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हैं, मदावा, गम, लिए, ढूंढते, अब, ज़ख्म, कर, दिल, रहे, मरहम, फरियाद, के, सोजिश। अब आप देख रहे हैं कि इसका कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब इन्हीं अल्फाज को एक ख़ास तरतीब में रखते हैं। पहले ढूंढते हम रहे लेंगे, फिर हैं लेते हैं, ढूंढते हैं, फिर अब, फिर मदावा, फिर सोजिश गम के लिए। तो ढूंढते हैं अब मदावा सोजिश गम के लिए। नीचे वैसे ही कर रहे, फिर हैं, जो हैं ऊपर आ चुका है वही, ज़ख्म दिल फिर हमने इस्तेमाल किया, और इसी तरह से फरियाद मरहम के लिए। तो यहाँ तमाम अल्फाज मौजूद हैं, हमने इसको सही तरतीब से लगाया तो ये शेर बन गया। तो इसी तरह से आपको जो मिसालें नीचे दी जाएंगी आपको उसी तरह सही तरतीब से लगाना है और शेर बनाना है। अब ये 7वीं की आपको मुनाजात पढ़ना है और उसमें से इसको तरतीब से लगाना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, भूले रहम हम जाकर तुझे आईन, भूल को ना अपने लेकिन तो हैं करम, इस तरह से। अब इसको आपको तरतीब से लगाना है और शेर बनाना है। तब हम क्या करेंगे, इससे पहले आपको जो मुनाजात दी गई थी उसमें अब देखेंगे। तो वहाँ पर देखिए, ये यानी 5वां शेर देखिए, नीचे से दूसरा, रहम कर अपने ना आईने करम को भूल जा, रहम कर अपने ना आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। अगर हम तरतीब से लगाएंगे तो इस तरह बन जाएगा। आप भी देखिए, यहाँ गौर कीजिए, जो अल्फाज दिए गए इनको तरतीब से लगाइए और वो जो शेर हमने पढ़ा उसमें बराबर ये अल्फाज आ रहे हैं या नहीं, आप देखिए और उस शेर को लिखिए। यही आपको आज के दिन इससे सरगर्मी दी गई है। इसी तरह एक और शेर दिया गया, इसको भी आपको तरतीब से लगाना है और ये भी मुनाजात का शेर है। तो आप फिर वैसे ही करेंगे, ए हाँ अर्श खुदा रुख अयाम, फिर हम वहाँ जाएंगे मुनाजात में। अब देखिए दूसरा शेर, ए दुआ हाँ अर्ज़ कर अर्श इलाही थाम के, ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिश अयाम के। तो ये जो शेर दिया हुआ है अगर हम ख़ास तरतीब में लगाएंगे तो इस तरह बन जाएगा। तो आपको ये लिखना है। फिर इस तरह से क्या करेंगे कि मुनाजात ही के जो और बकिया अशार हैं जो अभी वहाँ पर दिए हुए हैं, तो उसमें से आप अलग तरतीब से उसको लिखिए। पहले उसकी तरतीब बिगाड़ दीजिए, फिर उसको सही तरतीब में करके शेर बनाइए जैसे वहाँ है लिखा हुआ है। या आप किसी भी मुनाजात से या किसी भी नज़्म या गज़ल से एक शेर लीजिए, उसके अल्फाज को तरतीब जो है अलग कर दीजिए, फिर उसको तरतीब में लगा कर शेर बनाइए। तो इस तरह आपको आओ तखयलाती बने में आपको अल्फाज को तरतीब में लगा कर शेर बनाना है, शेर तैयार करना है। तो आज की यही सरगर्मी, उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह हल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।